उनके आ जाने से आ जाती है मुंह पे रौनक। आ चुकी। ये कह कहे और हंसी लोगों के लबों पर लहरी ही बिखेर सकते हैं। जैसे ही मियां नवाज शरीफ बेमिसाल मजाहिया अदाकार से मिलने उनकी रिहाइश का पहुँचे तो बस फिर क्या, अदाकार लहरी के दिलचस्प जुमलों ने तमाम अफराद को हंसी से लोटपोट कर दिया। शूटिंग में तो बाजार हुसन का सेट लगा था, मुश्तरी उतर रही थी। अच्छा। सीढ़ियाँ बोली ये कौन है? हाँ। ये मैंने कहा ये आफ्ताब है। बोली यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने कहा यहाँ गुरूब होने आए हैं। लहरी साहब ने फिल्मों में हीरोइंस के मुख्तसर लिबास पर तबसरा करते हुए कहा कि इससे तो शर्म के जरासीम का खात्मा ही हो जाता है। जाली का कुर्ता पहन के आ गई, बोले कैसे लग रही हूँ? मैंने कहा जिधर से गुजरेंगी मक्खी मच्छर मरे या न मरे, शराफत के जरासीम तो मरी जाए। अदाकार लहरी का मियां नवाज शरीफ से कहना था कि हालात तो खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, तो बस जरा जल्दी से चेक पर साइन कर दे। एक चेक ले दे। सही पैगाम है। फिल्में सामने आती तो बड़े शौक से देखते हैं। मियां नवाज शरीफ शहनशाह गजल मेहदी हसन की खैरियत दरियाफ्त करने उनकी रिहाइश गाह पर भी गए और दोनों अजीम शख्सियात को 25-25 लाख रुपए के चेक्स भी दिए। PMLN के सरबरा नवाज शरीफ ने मेहदी हसन खान साहब और लहरी साहब की अयादत की और उनकी सेहत के लिए दुआ भी की। उनका कहना था कि वो आज भी मेहदी हसन खान साहब की गजलें और लहरी साहब की फिल्में नहायत शौक से देखते हैं। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ अक्सा हुसैन, दुनिया न्यूज़, कराची।